नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल स्टील है भारत के सबसे लंबे पुल का भरोसा। सेल ने 9.15 किलोमीटर लंबे ढोला सदिया पुल के लिए 90% सेल स्टील की आपूर्ति की। SMS 1 इलेक्ट्रिकल एवं क्रेन मेंटेनेंस विभाग द्वारा स्क्रैप लोडिंग वृद्धि में उद्यमशील कार्य। और नगर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल असम के लोहित नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया के निर्माण में इस्तेमाल किए गए स्टील का सबसे बड़ा और प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। सेल ने इस पुल के लिए लगभग 90% या लगभग 30,000 टन इस्पात की आपूर्ति की है, जिसमें TMT स्ट्रक्चरल और प्लेट शामिल हैं। यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे दो महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ेगा। इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए कंपनी चयन का एक प्रमुख आधार सेल द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्पादन मिश्र यानी प्रोडक्ट मिक्स था। इस 9.15 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 2011 में शुरू किया गया। यह पुल मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से 3.55 किलोमीटर लंबा है, जिससे अब भारत का सबसे लंबा पुल हो गया है। सेल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए इस्पात की आपूर्ति कर रहा है। ढोला सदिया पुल के अलावा सेल इस्पात का उपयोग बोगीवेल रेल सह सड़क पुल, NTPC की 750 मेगावाट की बिजली परियोजना एवं 600 मेगावाट की कमिंग जल विद्युत परियोजना समेत कई बिजली संयंत्र, ट्रांस अरुणाचल हाईवे इत्यादि में भी किया गया है। ये सभी परियोजना इस क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सेल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना विस्तार करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। इसके साथ ही अपने विपणन को बढ़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति लागू की है। पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों में इस्पात की आपूर्ति करने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की इस्पात खपत की उच्च क्षमता का उपयोग करने, सरकार का पूर्वोत्तर को देश के साथ जोड़ने की नीति पर जोर की संभावनाएं समेत सभी प्रमुख रूप से कंपनी की प्राथमिकता सूची में है। हाल ही में सेल ने इस क्षेत्र में विपणन के लिए एक महाप्रबंधक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महत्व एवं गुणवत्ता की ऐसे परियोजनाओं का हिस्सा बनना सेल स्टील पर राष्ट्र के विश्वास का प्रमाण है। जैसा कि सेल अपनी शेष आधुनिकीकरण परियोजनाओं को लगभग पूरा करने की ओर है, इससे ऐसी परियोजनाओं के लिए और बेहतर और अधिक मूल्यवर्धित इस्पात पेश करने की स्थिति में है। इस आधुनिकीकरण के पूरा होने के बाद सेल के विक्रय इस्पात में मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादन का 50% भाग होगा। स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के LD शॉप में स्टैंड बाई क्रेन संख्या 233 के पुनरुद्धार सहित स्क्रैप लोडिंग सुविधा में बढ़ोतरी की गई। गौरतलब है कि SMS 1 में वैगन से स्क्रैप बॉक्स में स्क्रैप स्थानांतरण करने के लिए केवल एक ही क्रेन संख्या 233 उपलब्ध है। स्टैंड बाई क्रेन संख्या 233 उपयोग में नहीं था। पिछले 20 वर्षों से यह खराब स्थिति में था। किसी भी ब्रेकडाउन के समय स्क्रैप लोडिंग बाधित होता था, क्योंकि उपलब्ध एक ही रनिंग क्रेन था जिससे उत्पादन प्रभावित होता था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में SMS 1 के 0.5 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु खराब क्रेन का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया। विभाग के इलेक्ट्रिकल एवं क्रेन मेंटेनेंस अनुभाग ने क्रेन के विभिन्न अंगों की मरम्मत, नवीकरण, बदलाव एवं पुनः स्थापन करने की चुनौती को अपने हाथ में लिया। तदनुसार एक विस्तृत योजना तैयार की गई। मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट कॉस्ट, ट्रैवल एवं मैग्नेट के लिए नए इलेक्ट्रिकल पैनल घरेलू संसाधनों का उपयोग कर बनाए गए और सभी हिस्सों को क्रेन में फिक्स कर दिया गया। गियरबॉक्स एवं सभी मूविंग पार्ट्स की ग्रीसिंग एवं लुब्रिकेटिंग की गई और होस्ट रोप को बदला गया। मास्टर कंट्रोलर को भी सुधारा गया। आवश्यक नियंत्रण एवं पावर टेस्टिंग के बाद 15 मई 2017 को यह क्रेन ऑपरेशन को सौंपा गया।
उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल एसएमएस 1 श्री पी के साहू एवं प्रबंधक क्रेन मेंटेनेंस श्री आईसी बेहरा ने मार्गदर्शन में उत्साही कार्मिकों की टीम ने इस प्रशंसनीय कार्य को संपन्न किया। नगर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिए विभागीय सम्मेलन कक्ष में 23 मई को एक सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री पी के महापात्रा समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यान्वित किए गए सुझावों के लिए पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया। उप महाप्रबंधक टी इलेक्ट्रिकल श्री बी के भंज, उप महाप्रबंधक टी इलेक्ट्रिकल श्री के सी जेना, उप महाप्रबंधक कार्मिक TETS एंड इंक्वायरी सुश्री एस त्रिपाठी, प्रबंधक IED श्री बी के बेहरा एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री बेहरा ने नगर इंजीनियरिंग विभाग में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति पर चर्चा की। इस अवसर पर कुल 164 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 80 सुझाव कार्यान्वित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर 20,150 रुपए के नगद पुरस्कार बांटे गए। इन सुझावों से प्लांट को वास्तविक अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। सहायक प्रबंधक TE श्री पी के महापात्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक TE श्री केसी सेठी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। और अब विशेष घोषणा। CVC परिपत्र संख्या 4/3/2017 दिनांक 14 मार्च 2017 के अनुसार सेल निगमित सतर्कता ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवार वर्ग, विद्यार्थियों एवं नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता में व्यापक सहभागिता हेतु सत्यनिष्ठा का संकल्प ग्रहण कराने की पहल की है। कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठा का संकल्प ग्रहण करने के लिए सेल पोर्टल, RSP इंटरनेट या CVC वेबसाइट लिंक के माध्यम से पंजीकृत करा सकता है। उल्लेखनीय है कि यह पहल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के विषय सत्यनिष्ठा को प्रेरित करना एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनता की सहभागिता पर आधारित आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। सत्यनिष्ठा संकल्प में भाग लेने वाले नागरिकों को प्रतिबद्धता की ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदी समाचार की ये श्रृंखला यही समाप्त होती है। नमस्कार।